जिला अस्पताल में क्षेत्रीय लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने कोरोना के दौरान कांग्रेस के नेताओं के घर में बैठे भाजपा पर सवाल उठाए जाने पर आड़े हाथों लिया। वहीं भाजपा व स्वास्थ्य विभाग की टीम के कार्यों की सराहना की। महिला अस्पताल परिसर में 93 लाख की लागत से पीएम केयर फंड से बनाया गया ऑक्सीजन प्लांट, जिसका गुरुवार जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री केयर फंड से बने 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन संयंत्र का लोकार्पण क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड से वर्चुअली लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि, राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि, महिला मोर्चा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। लोकार्पण किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, ये हमें पीएम केयर फंड से प्राप्त हुआ है। सुविधा बढ़ी, रोड की सुविधा बढ़े, पानी बिजली और सड़क की सुविधा बनी और तमाम प्रकार की योजनाएं लाकर इस जमीन पर खड़ी करी है। आज विकास का जो स्वरूप बड़वानी जिले के अंदर दिख रहा है वो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज जो ये बुनियादी सुविधा मिली है उसके हकदार आज शिवराज जी और हमारे यहाँ के मंत्री जी है, प्रेम सिंह जी पटेल है, हमारे सांसद जी है। आज हमने ये इतना बड़ा प्लांट लगाया, सेंधवा में भी इस प्लांट का ओपनिंग हो रहा है। इन्हें क्यों नहीं करें, इनको किन्ने रोका था? ये तो स्वास्थ्य मंत्री है, प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे 10 साल, इन्हें ये काम करने का क्यों नहीं किया? आज हमारी सरकार ने करके बताया है। और कोरोना के काल में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे दोनों सांसद, हमारे मंत्री, हमारे सारे कार्यकर्ता रात और दिन परिश्रम बढ़वानी के छे जो हमारे नर्सिंग होम है, हमारा ये प्राइवेट अस्पताल है, हमारे शासकीय अस्पताल है आशा ग्राम है, सब दो रात और दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम और मेहनत करी। जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जिनको एम्बुलेंस की आवश्यकता थी, जिसको जो आवश्यकता लगी, खाना पीना भोजन सब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के समाज ने किया है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता ये क्वारंटाइन होकर अपने घर के अंदर बैठे थे, एक भी नेता कांग्रेस का मैदान में नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के और हमारे विभाग के कर्मचारियों ने काम करा। और ये जब देश के ऊपर आफत आई, देश के अंदर कोरोना आया, तो इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए और क्या कहा कि वैक्सीन तो मोदी जी की है, वैक्सीन के अंदर चर्बी है, वैक्सीन लगाने से मौत हो जाएगी, ऐसी अफवाह फैलाने का काम इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। पर वही कांग्रेस के कार्यकर्ता और वही नेता चुपके चुपके मोदी जी की वैक्सीन भी लगाने गए, लाइन में भी लगे, दुष्प्रचार तो बहुत किया। पर मैं बड़वानी जिले के प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने लक्ष्य की पूर्ति प्राप्त करी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। देश में एक ऐसी विकट परिस्थिति जो दुनिया ने देखा है कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से हमने कहीं अपने लोगों को खोया है और उसमें कहीं कहीं ऑक्सीजन की बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसमें था। और इसलिए अब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री केयर फंड का एक निर्माण किया, जिसमें पूरे देश और दुनिया के भारतीय लोगों ने अनेक प्रकार से डोनेशन भी किया, जिसका लाभ इस देश के 2000 ऑक्सीजन प्लांटों के माध्यम से हो रहा है। और आज निश्चित तौर पर माता नवरात्रा का भी त्यौहार है, माँ की भी कृपा है, और इसलिए आज इतने शुभ अवसर पर इस बड़वानी की जिला चिकित्सालय में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष जी, हमारे जिले के पदाधिकारी आदरणीय अभिलाषा सोनी जी, आदरणीय जया भाभी जी, हमारी महिला मोर्चा के सब कार्यकर्ता, हमारे मंडल के अध्यक्ष कृष्णा भाई, हमारे जगदीश धनखड़ जी, अनेक प्रकार के कार्यकर्ता और जनसमूह इस बात की खुशी जाहिर कर रहा है कि हमने कोरोना का संक्रमण देखा है और उसमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर हमने कई अपने लोगों को खोया भी है। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर जिला मुख्यालय पर और हर जिला मुख्यालय पर बड़े केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट की निर्माण की घोषणा की थी, जो आज सफलतम के रूप में स्थापित भी हुआ है और आज उसका हमने लोकार्पण भी किया है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज संबोधित भी करेंगे, देश भर के 2000 के करीब ऑक्सीजन प्लांटों का लोकार्पण भी है। एक ऐसी पहल जो दुनिया ने भी देखी कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए भारत तीव्र गति से आगे बढ़ा और वैक्सीनेशन का निर्माण भी किया, और दुनिया को हमने दिखाया कि अगर देश में कुछ चीज़ का निर्माण हम कर सकते हैं तो हम आत्मनिर्भर भी और वैक्सीन का निर्माण भी हमने किया है। इस अवसर पर मैं हमारे बड़वानी जिले के समस्त जनता को, हमारे सभी जनसमूह को मैं शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ।